अकबर को हमने बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है, अकबर इतना अच्छा इंसान था नहीं। किंग होने के लिए आप बहुत अच्छे हो भी नहीं सकते, है ना। इफ यू लुक एट इट, इफ यू आर अ वेरी गुड पर्सन देन हाउ कैन यू यू नो विन पीपल। मैंने कुछ हिस्ट्री पढ़ा है अबू फजल के बारे में स्पेशली, ही इज द वन हु एक्चुअली पॉइजंड मुराद एंड ही नेवर लाइक्ड अनारकली। अनारकली के तो बिल्कुल अगेंस्ट में था, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि अबू फजल ने ड्यूरिंग राइटिंग अकबरनामा एंड एवरीथिंग उसने इरेज कर दिया। इट इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन आल्सो। आपकी बुक पढ़ने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि डैनियल वाज द सन ऑफ अनारकली। सो अकबर वाज इलिटरेट, ही डिडंट नो हाउ टू रीड और राइट। दोस्तों, इतिहास अपने आप में बहुत कुछ छुपा के रखता है। आपने अकबर, सलीम और अनारकली की कहानी सुनी होगी, जनरली हम सब ने सुनी है, और सबके दिमाग में जो छवि बन के उतरती है वो उतरती है मुगले आजम की। एक दिलीप कुमार साहब हैं और पृथ्वीराज कपूर है, और बस वही मधुबाला के साथ अनारकली की इमेज आ जाती है और हम सोचते हैं बस वही कहानी है। पर इतिहास उससे बहुत बहुत ज़्यादा गहरा है। ये मुझे तब मालूम पड़ा जब मैंने बुक पढ़ी हर्षाली सिंह, डॉक्टर हर्षाली सिंह की अनारकली। इस बुक में अनारकली की इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि इस बुक को हर किसी को पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो समझ सके कि इतिहास क्या है। तो आइए हम बात करते हैं आज डॉक्टर हर्षाली सिंह से अनारकली किताब के बारे में। तो बने रहिए शो में, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और ये मंदिर है बुक्स का तो यहाँ पे बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मैम, वेलकम टू आवर शो बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। थैंक यू। यहाँ पे हम बुक्स की बात करते हैं जी, बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज की बात करते हैं। मेन मकसद ये है कि मेरा मानना है कि बुक्स में बहुत कुछ है, हर बुक में बहुत कुछ है, और कोशिश ये रहती है कि किसी एक बुक को हम आज यहाँ पे बात करें और उसमें से डिटेल्स निकाल के लाएं कि उस बुक में क्या अच्छा है, व्यूअर्स को क्यों वो बुक पढ़नी चाहिए जी, और उससे क्या सीख मिलती है जी। आपकी बुक अनारकली जब मैंने पढ़ी तो फ्रैंकली टेलिंग यू इट्स वंडरफुल बुक। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मतलब मुझे अनारकली के बारे में इतना डिटेल नहीं पता, जो आपकी बुक पढ़ने के बाद पता चला है कि यार ऐसा कुछ भी था, एंड दैट्स द ब्यूटी। मतलब जो कहते हैं ना, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं आजकल, लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पसंद होता है, तो ये तो बुक पढ़ के पता चलता है कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है, रियलिटी यहाँ है जी। तो मैम, बिफोर वी स्टार्ट द शो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियंस को यू इंट्रोड्यूस बाय योरसेल्फ, क्योंकि आपने इतना पूछा है कि आप खुद ही इंट्रोड्यूस करो तो ज़्यादा बेटर है। सो आई एम डॉक्टर हर्षाली सिंह, आई एम एन ऑथर, और इसीलिए मैं आज इस शो में आई हूँ। आई ऑल्सो वर्क प्रोफेशनली एज अ मेम्बर जज ऑफ द कंज्यूमर फोरम, एंड आई राइट, आई पेंट, आई एम अ मदर, एंड हर औरत की तरह मैं बहुत सारे बहुत सारे काम, बहुत सारे अपने रोल्स निभाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से निभ जाए। अब वो तो जो आसपास वाले लोग हैं वो बताएंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि किताब अच्छी लगी, सो आई एम ग्लैड टू नो दैट। सीरियसली, मतलब मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मतलब इन अ मंथ आई रीड सम अराउंड 8 to 10 बुक्स, इजीली खत्म हो जाती है। एंड अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूँ, दिस वॉज द बेस्ट बुक व्हिच आई हैव रेड। मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, बहुत शांति से पढ़ा था। आई वाज एक्चुअली इनटू अनारकली। आपको आपको मैंने वीडियो भी बताया था, मैं खुद अकबर बन गया। आई वाज दैट मच इनटू दिस बुक। तब क्योंकि आपकी दूसरी बुक हवेली, वो भी हिस्टोरिकल है जी, सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर सो मच फाउंड ऑफ हिस्ट्री, इज इट ट्रू, एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन हिस्ट्री? सो हवेली सीरीज इज एक्चुअली अबाउट अ कंटेम्प्रेरी फैमिली। वो सिर्फ एक 100 ईयर ओल्ड हवेली में, जिसके 100 डोर्स हैं, बहुत पुरानी हवेली में, 150 ईयर्स ओल्ड हवेली जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है इन चांदनी चौक। देर इज़ एक्चुअली हवेली लाइक दैट, दो आई ऑब्वियसली मैनिफेस्टेड इट डिफरेंटली, बट असेंशली वहाँ से वो मैंने हवेली, मुझे इतनी पसंद आई जब मैं कॉलेज में एक बार वहाँ गई थी और मैंने देखा कि वहाँ पे एक नौग्रह करके एक जगह है जहाँ पे 9 हवेलीज हैं, तो उसमें से एक हवेली को मैंने इनएविटेबली, वो सूत्रधार बन गया मेरी किताबों का। तो वो सीरीज़ में 8 किताबें हैं जिसमें से 3 मैं लिख चुकी हूँ, एंड ऑल द बुक्स आर अबाउट 1 चाइल्ड ऑफ द फैमिली, देर आर 7 चिल्ड्रन इन द फैमिली, तो दीज आर ऑल कंटेम्प्रेरी स्टोरीज। हाउएवर क्योंकि हवेली है, पुरानी है, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है कहीं भी उस स्टोरीज को ले जाने का। तो जैसे पहली किताब में आई टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा, सेकेंड आई टॉक अबाउट, इन द सेकेंड बुक आई टॉक अबाउट कि जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है अब ऑफ
टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वेस्ट, तो वो जल्दी से उसको अब्सॉर्ब तो कर लेते हैं, बट क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे ट्रेडिशन, हमारे वैल्यूज उनमें इतने इनग्रेन्ड हैं, क्या हम रेडी हैं उन डिसीजंस की कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए. सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ द सेकंड बुक कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ चॉइस. और थर्ड बुक में आई वांटेड टू एक्सप्लोर अबाउट, आई टॉक अबाउट दिस गर्ल हु इज ब्लाइंड बट शी इज आल्सो सॉल्विंग क्राइम, सो दैट्स अ मिस्ट्री थ्रिलर. तो इस तरह से मैंने एमपैथ के ऊपर सीरीज पढ़नी पड़ी. हाँ, तो तीन किताबें उसमें आई हैं. तो उसमें हुआ क्या कि आई वाज ऑब्वियसली रिसर्चिंग फॉर एवरी बुक दैट आई वाज राइटिंग ऑन, बिकॉज देयर आर वेरी वेरी डाइवर्स टॉपिक्स. एंड एज अ रीडर, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा, आई मीन आई वाज अ वेरी वोरेशियस रीडर, आई स्टिल एम. तो जब आप किताबें पढ़ते हो तो आप आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि मैं ये कभी नहीं करना चाहती. कि व्हेन आई रीड अ बुक एंड आई डोंट बिलीव इन व्हाट द ऑथर हैज़ रिटन, दैट मींस उसका रिसर्च कहीं लैकिंग है. या फिर आप किताब पढ़ते हो जहाँ पे इतनी ज़्यादा इमोशन इन्फॉर्मेशन डंप है कि आपको लग रहा है कि बस ये ढूंढा है और सब डाल दिया एक जगह. तो आई यू नो, सो वाइल रीडिंग यू रियलाइज कि ये चीज़ें मैं नहीं करना चाहती. सो आई डू रिसर्च अ लॉट, बट उसका सिर्फ 10% शायद किताब में जाता हो. उसका जो 90% है, दैट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस कि अगर कल को कोई मुझसे कोई बात पूछे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो आई कैन से हाँ ये मुझे पता है. सो दैट वाज द रीजन. मैं ये शायद मेरा स्टाइल भी यही है. मैं जब तक कोई टॉपिक रिसर्च नहीं कर लूंगा, मैं उसको लिखता नहीं हूं. दैट इज द स्पाइन ऑफ योर स्टोरी. मुझे लगता है मैं कई, मैं भी बहुत बुक्स पढ़ता हूं जी, कहीं ना कहीं मैं पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आता है ये ना बिना रिसर्च करे हुए. हां बिल्कुल. मोस्टली मुझे उस चीज मिलती है क्योंकि मैं खुद टेलीकॉम बैकग्राउंड से हूं. जब लोग बात करते हैं मोबाइल कॉल ट्रेसिंग, थ्रिलर में जनरली होता है मोबाइल कॉल ट्रेस करना, और 99% लोग ना उसको ऐसे लिखते हैं पुलिस वाले पीछे पीछे जा रहे हैं देख रहे हैं. वो सुन के ही लगता है कि यार ये बिना रिसर्च के लिखा, ऐसा तो होता नहीं है. तो रिसर्च मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बुक को लिखने के लिए. लाइक मैंने जब रिदम रॉजर लिखी थी, बिकॉज कंप्लीटली साइंस बैकग्राउंड, तो आई रिमेम्बर मैंने इतनी बुक्स पढ़ डाली थी. आई हैव मतलब मैं GSM टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, 5G, 3G मैं सब दोबारा रिवीजन कर लिया था, बिकॉज़ आई हैव टू राइट दैट बुक. या सो आई थिंक वो किताबों में द रीडर कैन फील, एंड आई फील आई राइट फॉर एन इंटेलिजेंट रीडर, जो जिसकी लैंग्वेज कोई भी हो, बट व्हेन दे रीड द बुक उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये बिलीवेबल है. कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कुछ लिख दिया है क्योंकि मूड आया तो लिख दिया. कि इसमें इसके पीछे बहुत ज़्यादा बैकिंग है कि अगर ऑथर, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ वो शायद मेरे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है या मेरी कॉन्शियंस को एक ठहराव देता है. और एज अ रीडर आई फील कि कोई रीडर ये ना सोचे कि कुछ, जैसे आपने बोला कि इसने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया. तो अनारकली कैसे हुई? सो अनारकली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई वाज राइटिंग द हवेली सीरीज एंड आई वाज वर्किंग ऑन द फोर्थ बुक. तो आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय पब्लिशर रीडोमेनिया दीपांकर मुखर्जी, एंड वी वर टॉकिंग. एंड तो आई वाज, बिकॉज आई राइट मोर वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज, तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि अच्छा व्हाट आर यू प्लानिंग, हाउ आर यू प्लानिंग टू डू द स्टोरी, क्या प्लॉट होने वाला है एंड ऑल दैट. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, एंड इनएविटेबली उस बुक में भी थोड़ा सा आई एम टेकिंग हिम back into the, you know, the Mughal era, so to say. So he said, then what do you think about Anarkali? So I said, I find her very mysterious, and you know, as a woman, I feel she is mysterious. Yes, she is very mysterious. Book na padho to mysterious hi hai. I know. Maine ke sirf unko jo in Mughal Azam, because we grew up on that movie. उसके बाद हमने प्लेज पढ़े, ये जो भी नहीं, बट मैम आपकी बुक पढ़ने का मुझे लगता है कि सब गलत दिखाया हुआ है. नहीं नहीं. तो व्हेन आई टोल्ड हिम, आई सेड आई कांट बिलीव कि एक यंग लड़की हो जो 12-13 साल की है, उसको हरम में आप लेके आ रहे हो. एंड द हरम्स वर वेरी हायरार्किकल. देयर वर मेनी अदर वुमेन, नॉट ओनली द कॉन्क्यूबाइंस, देयर वर रिलेटिव्स, देयर वर अदर वुमेन, देयर वर वाइव्स, देयर वर क्वींस, they were favorite concubines. So there were so many women in the harem. So ऐसा नहीं है कि एक suddenly लड़की आई वो बहुत सुंदर है इसलिए वो favorite बन गई. But imagine a young girl who's coming into the harem, उसकी backing कोई नहीं है, और वो उसमें सिर्फ क्या वो एक damsel in distress है जिसको सिर्फ प्यार ही हो गया. I mean उसमें कुछ तो ऐसा और रहा होगा जो बहुत dynamic होगा, जो एक ambition होगा उसमें कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, कि मेरे पास control हो, कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकूं, अपनी कहानी खुद लिख सकूं.
So I was talking like this to him, and he said, "Oh my God, I'm getting goosebumps. Why don't you write about this?" I said, "Haan, that's a good idea." तो फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा एंड मेनी मेनी मंथ्स. नहीं एक्चुअली अनारकली आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि इससे पहले आप सोचते हो बट यू डोंट रियली गो इनटू हिस्ट्री एंड लुक फॉर इट. आप एक सिर्फ कॉन्वर्सेशन जैसे आज हम कर रहे हैं ऐसे करते हो. तो व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एक बहुत अजीबोगरीब चीज सामने आई मेरे दैट शी इज नोवेयर. कि इतनी इंपॉर्टेंट वुमन है एंड उसके बारे में ना तो अकबरनामा में कोई जिक्र है ना जहांगीरनामा में कोई जिक्र है. एंड अकबरनामा इज इन 3 parts. तो जो उसका ट्रांसलेशन भी आप पढ़ते हो या आप उसके बारे में ढूंढते हो कि अनारकली जो एक एक कॉन्क्यूबाइन थी जो उनकी बहुत फेवरेट थी फेवर्ड थी लेट अस से, तो कहीं तो उसका जिक्र होगा बट उसका जिक्र कहीं नहीं. सो दैट वॉज वन थिंग कि ऐसे इतना ज़्यादा एब्सेंस कैसे, हाउ इज हर एब्सेंस सो कॉन्स्पिकुअस. सो दैट intrigued me, that made me feel more you know ki ab to mujhe aur janna hai iske bare mein. So then I started thinking ki acha where can I find it. Then I found this article and obviously online also it is there ki Lahore mein ek chokor garden hai jahan pe anarkali ka makbara hai. Usko obviously there are different theories which says that are wo anarkali was just a garden और वो different तरीके से मरी थी. so there are several theories but जो मुझे बात hit करी was कि उस मकबरे में there is a जो उनका क्या कहते हैं जो grave है basically उसके ऊपर एक couplet लिखा हुआ है जिसके नीचे लिखा है मजनू सलीम अकबर. now सलीम was the heir apparent. He was going to be the next. Everybody was pretty sure ki unless he does something really serious, इसी को final वो दिया जाएगा, ताज दिया जाएगा. दानियल और दूसरा तो वैसे भी नहीं था. दानियल came later. So nobody would have dared to write his name on a grave or on a tomb जहाँ पे उन्होंने अपने आप को मजनू कहा. Because मजनू कुट का ट्रांसलेशन होता है जो लव सिक हो या जो बहुत प्यार में यू नो लूजर हो या लूज किया हो उन्होंने. तो मजनू उसको तो नोबडी वुड हैव डन दैट. सो वहां से मुझे लगा कि कुछ तो यहाँ पे था कि उनका नाम विद यू नो सो दैट ही हैड मेड दैट थिंग. दूसरा मेरे को जो एक बहुत और चीज लगी कि एक बेटे थे सलीम दूसरे बेटे थे मुराद. मुराद के अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाते हैं उनके बारे में ढूंढते हैं तो उनकी ही वॉज ऑल्सो बॉर्न टू अ कॉन्क्यूबाइन बट उनकी मदर का नाम दिया हुआ है सब जगह कि ये इनके बेटे थे. लेकिन दानियाल की मदर का नाम नहीं दिया हुआ उनका सिर्फ लिखा हुआ है. आपकी बुक पढ़ने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि दानियाल वाज द सन ऑफ अनारकली. इट इज परपोर्टेड टू दैट बट दीज थिंग्स काइंड ऑफ दीज आर लाइक स्मॉल डॉट्स. इफ यू जॉइन द डॉट्स यू रियलाइज कि किसी ने इनको बहुत ही इंटेंशनली उनको इरेज कर दिया है कि उनके बारे में कोई. बट लुक एट हर यू नो एक जैसे छाप छोड़ जाते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनालिटी रही होगी कि उन्होंने अपनी एब्सेंस को भी इतना कॉन्स्पिकुअस बना दिया कि एवरीबडी रिमेंबर्स हर. द सैड पार्ट इज दैट हर फर्स्ट उनका पहला जिक्र जो है वो एक ट्रैवलर थे विलियम फिंच करके जो उनके मरने के बाद जिन कहा जाता है कि शी डाइड इन 1598 और 1599 उसके 11 साल के बाद आए थे. तो उन्होंने अपनी एक जो ट्रैवलॉग होता है क्योंकि उस टाइम पे लोग लिखा करते थे तो वो बस नीचे एक दो लाइनों में उन्होंने लिखा है कि एक ऐसी लेडी थी जिनको इम्यूर करा गया था या बरी करा गया था दीवार में जिंदा. बस दैट इज इट. तो उसके बाद एक और ट्रैवलर आए उन्हीं उनके विलियम फिंच के बाद. उन्होंने भी थोड़ा जिक्र करा कि सलीम को वहाँ पाया गया हरम में. बिकॉज अकबर वॉज ही डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स बट ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग. अपनी पावर को वो छोड़ना नहीं चाहते थे एंड उनके हरम में नोबडी एल्स वॉज अलाउड. नो इवन द चिल्ड्रन ऑफ द कॉन्क्यूबाइंस और क्वींस बियॉन्ड अ सर्टेन एज दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड. दैट मीन्स ही वॉज द ओनली मेल who could go in. So when he found another male and you know that is written about in the travelogue and Abul Fazl also who was the historian or he was the one who was wazir and one of the 9
नौ रत्न हाँ. जिनको कहा जाता है नाइन जेम ही वाज द वन हु वाज राइटिंग अकबरनामा. नाउ अकबर वाज आई एम सॉरी आई एम जस्ट गोइंग ऑन. नो नो प्लीज प्लीज कंटिन्यू. सो अकबर वाज इलिटरेट. ही डिडंट नो हाउ टू रीड और राइट. अब अगर आप ऐसे एक सोचें कि एक एम्परर है जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता और उनके साथ एक पर्सन है जो उनकी हिस्ट्री लिख रहे हैं तो कितना पावर होगा उस जने का उनके उनकी बिहेवियर पे. आप ये सोचो कि अगर मुझे पता है कि आपके पास ये पावर है कि आप मेरी इमेज जो सदियों तक याद रहेगी वो यू आर नोटिंग दैट डाउन देन हाउ मच लीवे आई विल गिव यू. सो अबुल फजल वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अकबर. एंड मैंने कुछ हिस्ट्री पढ़ा है अबू फजल के बारे में स्पेशली. ही इज द वन हु एक्चुअली पॉइजंड मुराद एंड ही नेवर लाइक्ड अनारकली. अनारकली के तो बिल्कुल अगेंस्ट में था. तो इट क्वाइट पॉसिबल कि अबू फजल ने ड्यूरिंग राइटिंग अकबरनामा एंड एवरीथिंग उसने इरेज कर दिया. हां इट इज पॉसिबल दैट इज व्हाट आई हैव रिटन आल्सो दैट सी एट दैट टाइम वुमेन वर सेकंड क्लास सिटीजंस. नाउ अ वुमन हु वाज टेकिंग हिज प्लेस मे बी इफ शी वाज सो इम्पोर्टेंट टू अकबर कहीं ना कहीं तो जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है कि वाइफ स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग द हस्बैंड बाय वेदर शी मेलोज हिम डाउन या उनको दूसरा एक पहलू दिखाना पॉसिबल रहता है तो उसकी कहीं ना कहीं पावर तो जा रही होगी ना फ्रॉम हिज हैंड्स दैट मस्ट बी एस्केपिंग. सो इट इज जस्ट व्हाट बिकॉज इट इज हिस्टोरिकल फिक्शन देयर इज नथिंग फाउंड ऑन अनारकली बियॉन्ड अ फ्यू स्निपेट्स जो आपको लाइब्रेरीज या कोई आर्टिकल में या किसी प्ले में बट दीज आर ऑल फिक्शनल अकाउंट्स. सो हाउ यू रिसर्च एवरीथिंग. सो रिसर्च एंड हाउ मच परसेंटेज इज फिक्शन इन योर बुक. मतलब मुझे फिक्शन तो बिल्कुल नहीं लगा. सो व्हाट आई डिड वाज आई काइंड ऑफ मैरिड फिक्शन एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट टाइम बिकॉज एज आई वाज सेइंग दैट अनारकली के बारे में कुछ नहीं है. आई हैव गॉन टू ऑल द लाइब्रेरीज इन आगरा इन फतेहपुर सीकरी. आई वाजंट एबल टू गो टू लाहौर. वन डे आई विल आई होप. एंड सो आई हैव रेड अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स लॉट ऑफ जे स्टोर पे जो जो लोगों ने थीसिस करा हुआ है इस पे वो सब पढ़ा. आई ट्राइड टू रीड एज मच एज आई कुड द ट्रांसलेटेड अकबरनामा एज वेल. तो क्योंकि अकबरनामा बहुत सारा है देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो द हिस्ट्री दैट वाज रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम. बहुत सारे क्रॉनिकलर्स थे उस टाइम पे जो लिख रहे थे तो उन सबको तो पढ़ना खैर मुश्किल नहीं था. मुश्किल था. So what I did was I focused my energy कि मुझे I don't want to read about the coinage. I don't read, want to read about कि I want to read about locally क्या हो रहा था कि what was happening, लोग क्या खा रहे थे, क्या पहन रहे थे, how were women dressing up, because I wanted to write the story from Anarkali's point of view. तो उसका जो दायरा था कि हरम में क्या हो रहा था या what was happening around that time, that was what I wanted to. Then I went, when I went to Fatehpur Sikri, I spoke to, you know, all the guides there, कि उनकी क्या पुराने पुराने जो specially थे, तो उनकी भी story चलती आ रही हैं, which sometimes doesn't match with the recorded history. So, but you get a different perspective, कि what are, how the stories have changed, एक वहाँ दरवाज़ा है, that kind of matched my, तो जो चीज़ें मुझे, जैसे मैंने पांच जगह रिसर्च करी और मुझे तीन जगह वो चीज़ वही मिली तो मैंने कहा हाँ इसको मैं ले सकती हूँ बट आई विल नॉट टेक समथिंग विच आई कैन नॉट कन्फर्म इवन थ्रू फोकलोर. तो फिर इसलिए सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज देयर इज नथिंग रिटन. जैसे आप किसी और पीरियड के बारे में लिखें गुप्ता पीरियड या इसके बारे में तो आपको बहुत सारा मटीरियल मिल जाता है और टू बेस योर स्टोरी ऑन. बट यहाँ पे तो आपकी इमेजिनेशन है और व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अ वुमन मुझे ऐसा लगता है कि जो इश्यूज उस टाइम पे रहे होंगे अभी भी वी आर फेसिंग दैट ओनली. वी आर स्टिल मेकिंग यू नो द सेम डिसीजंस एंड चॉइसेस बिटवीन लव एंड एंबिशन. तो आपको नहीं लगता कि मतलब मैं जब बुक पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज फील आई कि अनारकली को तो वी शुड सी शी इज एन आइकॉनिक लेडी जो एक्चुअली शी स्टार्टेड द वुमन एंपावरमेंट. या ऑल्दो she came from very those का background था from Persia and all and the way she presented herself क्योंकि एक उसका भी aim था बिल्कुल वहाँ तक पहुँचना बिल्कुल बिल्कुल. so women empowerment का she should be an iconic icon herself. I hope so because I wanted as I was saying that जो भी उनके बारे में आज तक कहा गया है that has been that scandalous love affair she had with the stepson or the son of the king.
आई डोंट थिंक वो सिर्फ इतना ही होगा उनका, इट हैज टू बी मच मोर. शी हैज टू हैव हैड एम्बिशन, शी हैज टू हैव हैड कनिंग. जो वाइल्स होंगी एक लेडी में वो यूज करती होंगी, एंड व्हाई नॉट, दैट द रीजन शी सर्वाइव्ड इन द हराम. And she would have known कि अगर, क्योंकि अकबर by the time सलीम was you know rising, everybody knew that अकबर was you know उनका सितारा sort of बुलंदी पे अब नहीं है. That is why the next person will come in. तो as a young woman she would have felt कि what do I do कि मेरे हाथ से ये power ना जाए, नहीं तो मेरे को तो सड़क पे ले आएंगे ये लोग, है ना. Because she had enemies in the harem, she had enemies otherwise. तो a lot of it depended on a survival of herself, her family and her immediate surrounding. Kyunki she would have gotten used to the opulence, to the the royal jo unko mila hoga, jo rooms mile honge, jo khane khan paan mila hoga, jo aapne likha bhi hai, because ji ji unki mother ko bhi koti haveli milti hai. And actually us time pe women, that's what I'm saying. So for me also this was, in fact every time you research, kyunki aap bhi keh rahe hain, aap research karte hain, bahut sari nayi cheeze hain, aapko bhi pata chalti hain. It's a learning experience for you also. Mujhe apne jo anarkali ka bachpan ka likha hai ki she traveled from Persia along with her mother and sister, uske father ki death ho chuki thi, to wo part bhi yahan pe research kiya ki that is fiction. So there is that is fiction. I assume that would have, what would have happened, because otherwise where were unko wo kahan mili hogi. So you know just to trying to trace Akbar's footsteps, ki uske baad wo directly kahan aaye, he was you know he would unka ye known hai ki he would go to these bordering states and countries, and wahan jaake wo roads aur wo sab check karte the. He would go and it's like taking gifts from the jo wahan ke kings the ya jo mansabdar the ya jo हेड्स थे, उनको वो दिखाने के लिए कि आई एम योर किंग, यू हैव टू बो डाउन बिफोर मी. तो वहाँ पे वो जैसे होता है दायरा करना या दौरा और मुआयना करना जिसको कहा जाता है. तो अपने दायरे को वो दे वुड सिक्योर इट, दे वुड वांट टू गो एंड सिक्योर देयर बाउंड्रीज एंड सी एंड चेक दैट एवरीथिंग इज ओके एंड ऑल्सो फील गुड कि ओके वी हैव एक्सपेंडेड इट, इज देयर चांस टू एक्सपेंड इट मोर. सो ऑल किंग्स वुड डू दैट. So this is obviously fiction, but I have just tried to trace ki at this particular time Akbar was here, and after that for her to die at a certain age, so if you backtrack, so she would have been a certain age here. It's beautifully done. मतलब वो लगता नहीं है book पढ़ के ना कि वो fiction होगा. हाँ. वो लगता है कि हाँ बिल्कुल सही चल रही है. हाँ. इसको पूरा research करने में कितना time लगा आपको? Because it's a huge research. Yeah, I think it took me. I think more than 10 months I did nothing. I didn't do anything. I was just researching the book. And then after 10 months I started writing it and then plotting it. Pehle to aap likhte ho, as you know you're a writer yourself. Ki pehle aap likhte ho, phir usko plot karne ki koshish karte ho ki what are the main plot points ya kahan kahan conflict aa sakta hai. And then uske beech mein I was traveling. I was going to places I thought she would have gone through. एंड उसमें फिर आपको एक बहुत, जैसे फतेहपुर सीकरी में गई तो मुझे इतना वहाँ के जो डिफरेंट हवा महल है, 25 कोट है, तो हुआ क्या कि हम जब हमने मुगले आज़म दोबारा देखी तो वी रियलाइज्ड या आई रियलाइज्ड दैट अनारकली इज़ बेस्ड इन आगरा, जो सारी वो हैं. बट एक्चुअली इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री यू रियलाइज दैट अकबर created Fatehpur Sikri when Salim was 2 years old on Salim Chishti, है ना, क्योंकि he was sure कि मेरा कोई बच्चा survive नहीं कर रहा है, only this child has survived for 2 years, that means ये ठीक ठाक है, he will not die. तो तब उन्होंने Fatehpur Sikri का जो उनका construction है वो शुरू करा. There was a village there जहाँ पे Salim का birth हुआ था, but ऐसे नहीं था जैसे अभी है. So that is when he started. He stayed there with Salim and his, it was जैसे होता है ना passion project उनका, तो आप वहाँ जाके देखिए तो बहुत सुंदर बना है. The every building is different, every जो palace बनाए हैं उन्होंने अपनी queens के, जो जो पांच महल बनाए हैं वो सब बड़े different है, जिसको जोधाबाई की रसोई कहा जाता है. And then there's an astrology seat. Now every building is made with so much love, so much you can see कि जैसे आप पहली बार घर बनाए हैं अपना तो पूरे अपने अरमान निकाल दें, तो इट वॉज लाइक दैट. तो
बट 14 ईयर्स के बाद ही शिफ्टेड बैग एंड बैगेज टू लाहौर. दे से दैट ही शिफ्टेड बिकॉज ऑफ ड्राउट इन दैट एरिया एंड बिकॉज, तो वो एक गोस्ट सिटी बन गया. फतेहपुर सीकरी बिकेम गोस्ट सिटी. आगरा वॉज नॉट येट कंस्ट्रक्टेड टिल देन. सो अनारकली वुड हैव बीन इन लाहौर. लाहौर में उनका जो भी हुआ होगा या यू नो व्हेन शी एग्जिस्टेड इट वुड हैव बीन इन दैट. तो वहाँ पे मेरा रिसर्च थोड़ा सा डिफरेंट रहा कि मुझे ये पता चला कि शी वॉज देयर एंड वॉट आर्टिकल्स एंड वॉट न्यूज़ पेपर्स ऑल्सो से कि लाहौर फोर्ट जो भी मैं पढ़ पाई उसके बारे में या जो भी मैं ढूंढ पाई जो मैं लोगों से बात करके समझ पाई कि इट इज़ सिमिलर एंड ऑन द सिमिलर लाइन्स एज फतेहपुर सीकरी. तो दे ट्राइड टू क्रिएट द सेम थिंग देयर बट ऑब्वियसली आपका पहला घर होता है. सो दैट इज़ वॉट आई डिड विद. सो आई हैव बेस्ड द स्टोरी इन लाहौर. I have based her immurement or her burial in Lahore, but I have brought them to Fatehpur Sikri to as a you know ki aapke Hindu kings ko aap entertain karna chahte ho, aap travel karna chahte ho, to you are going back because when you go to Fatehpur Sikri and you see the Anoop Talao jahan baith ke tansen beech mein gana gaate honge aur sab taraf deep jalte honge, wo ek bahut hi sundar. So I wanted to incorporate that in the book. तो उसको करने का एक तरीका क्वेश्चन भी यही था. हाँ, हाँ, हाँ. जो आपने सारा इमेजिनेशन किया है ना, मतलब जब बुक पढ़ते हो यू कैन फील, आपको लगता है कि हाँ आप वो सब चीजें देख रहे हो. तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है बुक में. जनरली माइथोलॉजी में और हिस्टोरिकल बुक्स में ये बहुत टफ होता है तो इमेजिन हमने वो एरा देखा नहीं. केवल लिटरेचर पढ़ के हम उस चीज को इमेजिन करते हैं. जैसे कि हम आप भी कहते हैं कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लोग कहते हैं श्रीराम गेरुआ वस्त्र है, बट अगर आप रामायण की चौपाइयां पढ़ो आपको पता चलेगा नहीं गेरुआ नहीं, वो और भी कई चीजें पहना करते हैं, अलग अलग वस्त्र पहना करते हैं. तो हर कोई अपना इंटरप्रेट करता है चीजों को. तो वैसे ही इस बुक के लिए जो इमेजिनेशन आपने किया, व्हाट वर्क यू हैव डन टू इमेजिन दैट एरा, दोस थिंग्स, आई थिंक व्हेन आई वाज बिल्डिंग्स, आपने इवन कर्टेन हिलने तक की बात की है, सो ऑल दोस थिंग्स. So I think as a मतलब if you stand in a certain place, एक हर जगह की एक vibration होती है and I feel that I can't really answer that except then मुझे ऐसा लगा कि I am either I am she or she is me, one of the two. तो मुझे ऐसा लगा as a woman क्या मुझे अच्छा लगेगा, how I would react, कि मैं suddenly एक poverty जहाँ पे मैं गेस्ट की तरह रह रही हूँ और मैं सडनली मेरे को एक बहुत ही सुंदर से कमरे में, तो मैं क्या क्या चीज़ें देखूँगी वहाँ पे, व्हाट विल अट्रैक्ट मी टू दैट प्लेस. एंड जैसे शी टॉक्स अबाउट एक जगह पे व्हेन शी इज़ वेटिंग कि क्या अकबर मुझे अपने हैरम में लेके जाएंगे या नहीं, तो शी इज़ पुट इन अ टेंट कि आप यहाँ वेट करो एंड ही विल डिसाइड वेदर टू और नॉट. सो शी स्मेल्स द बेडशीट कि ये कितनी साफ है, कि इस एक साफ की कोई स्मेल नहीं होती है. बट वेन यू लिव इन पॉवर्टी विद वेन यू लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज ऑलवेज स्मेल एंड यू गेट यूज टू दैट, यू गेट इम्यून टू दैट, तो आपको सडनली रियलाइज होता है कि मैं आई एम डर्टी, दैट आई एम नॉट वॉश्ड और आई एम नॉट, एंड ये साफ स्मेल होती है. तो दैट डिस्टिंक्शन आई वॉन्टेड टू मेक कि फॉर हर रीचिंग दिस वॉज ऑप्यूलेंस और दिस वॉज वॉट शी वॉन्टेड टू बिकम, कि उसको फ्रेग्रेंस का, उसको बहुत सुंदर चीज़ों का, बहुत अमीर जो जैसे गोल्ड और ज्वेलरी का बहुत शौक है बिकॉज उसने वो उसका अभाव उसने महसूस करा है. सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट शार्प कॉन्ट्रास्ट. सो वो हर चीज़ में आपको मिलेगा, वेदर इट इज़ इन स्मेल और इट इज़ इन ईटिंग और इट इज़ मीना बाजार का जैसे है. एंड ऑल्सो देन फ्रॉम अ लो पॉइंट शी कम्स टू अ हाई पॉइंट. बट जब आप उस सीट पे आ गए हो तो अब आपको वो जो आप इतने सालों से चाहते थे वो मिल गया, अब आप क्या करोगे. सो नाउ यू हैव नथिंग फॉरवर्ड, यू नो देन दैट बोरियत सेट इन होने लग जाती है. जो चीज़ें आपको जैसे हम हिल स्टेशन में या बीच पे जाते हैं कि अरे कितना सुंदर है, बट जब आप वहाँ रहने लग जाओगे तो वही माउंटेन्स में जब स्नो आपके पानी को फ्रीज कर देगी तो आप कहोगे क्यों स्नो हो रही है, अदरवाइज आप स्नो देखने जाओगे. So when you get when something very beautiful, you achieve that,
then that becomes mundane for you. It becomes everyday for you. So that is also, so that was the triangle I wanted to show. अनारकली को लेकर ना बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। जी। मैं ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने रिसर्च बहुत की है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका व्यू क्या है। मतलब बुक, मैंने बुक में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी फॉर द ऑडियंस। यस। लाइक पहली कॉन्स्पिरेसी जो आती है कि अनारकली को सलीम से प्यार था। जो मुगले आजम में दिखाया गया अनारकली एक नर्तकी थी जी, और उसको सलीम से प्यार हो जाता है। जो अकबर को ये बात पसंद नहीं आती कि अनारकली एक कनीज होके मेरा बेटा उससे प्यार करे, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये गलत है। आपका इस पे क्या व्यू है? गलत नहीं है, आई थिंक देयर वाज अ पावर प्ले जो हर बेटे और एक जो नहीं, गलत ये है ना कि शी वाज नॉट ओनली अ डांसर, शी वाज नॉट ओनली अ डांसर, नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक शी वाज मच मोर, शी वाज इन्फ्लुएंसिंग द मोस्ट पावरफुल मैन at that point of time. She was so concubine ko prostitute kaha jata hai ab. Us time pe they were the epitome of art and culture and language and everything. To ye I think wo Britishers ke aane ke baad unko ek bahut hi sideline kar diya gaya, unko bahut hi shameful way mein dekha jata hai, but us time pe aisa nahi tha. In fact, concubines sometimes had more power than the actual queens. तो और ये हर culture में आप देख सकते हो। तो जो भी होता क्या था कि women didn't have any say of for themselves per se. They used to derive power from the most important man, the man being the king. तो अगर आप उस king जो सबसे powerful है उसकी favorite हो, तो inevitably power is reflected. You also are powerful. And so that is why women used to fight amongst themselves ki koi kisi ko poison kar raha hai, koi kuch kar raha hai, koi marwa raha hai, kisi ke bacche mar rahe hain. So you know, so many things are happening so that the power center ke aap sabse close ja ke baith sako ki you are the most favored. So that is why I feel ki Anarkali would not have only been a very damsel in distress jisko sirf pyar hi ho sakta tha. I don't think so. I think she would have been strong. Yeah, she would have been an ambitious, cunning woman, and cunning not in a bad sense. To survive aapko bahut sari cheeze karni padti hain, ho sakta hai bad bhi ho, we don't bad know bhi ho. Yeah, and I mean she was just wanting to live a life wherein she was not worried about her life ki wo zinda rahegi ki nahi rahegi. And because uske, I assume that because she was poor, and in that time when you are running or when you are, to dacoits bahut hote the, you were not physically safe, you didn't know your future, how long you would live, etc. So there were many things. So I feel she would have been a very strong woman internally to be able to do all this, and then to look at another person जो उनका बेटा था, she would have known that ये इनका बेटा है. तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्यार में पड़ गई, and you know, nobody does that. I don't agree. At this age, I realize that even when you are in love, कि आपको अगर पहली बार प्यार होता भी है, तब भी आपको पता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, good or bad. आप चीजें वही छिपाते हो जो ठीक नहीं है. You will not hide something which is, you know, which is acceptable. You will only hide things which are not acceptable. So she would have known, she would have seen that now the power is shifting and most likely candidate is this person. So I need to come closer to this person. And yes, obviously she was beautiful, she was you know, she was elegant, she was the favored concubine of his father. To Salim ki taraf se agar dekho, and she knew na ki Daniel to uska beta hai, Daniel ke baare mein fayda hi nahi hai. Daniel aur to Murad is... Daniel was then given to Jodha bhai jinka actually naam Maryam aur Zamani tha, but unko Jodha bhai colloquially bola jata hai. To he was more closer to his mother, not his birth mother, but जोधा भाई जिनको कहा जाता है. मेरा अगला कॉन्स्पिरेसी क्वेश्चन यही था कि ये मैंने पढ़ा है कहीं कि दानियाल को एक्चुअली दीवार में चुनवाने के तभी पता चलता है कि एक्चुअली माय मदर इज अनारकली. आई डोंट थिंक ही इवन न्यू, आई डोंट थिंक ही रियली केयर्ड, बिकॉज़ दानियाल के लिए शी वाज नोबडी. ही वाज ब्रॉट अप एज अ रॉयल प्रिंस. तो रॉयल प्रिंस जो होगा, जब उसको आप सराउंड ही कर दोगे ऐसे लोगों के साथ जो साथ आसपास जो जो उसको एक पर्टिकुलर वे में ग्रूम कर रहे हैं,
तो ऑल दिस वुड नॉट हैव मैटर्ड टू हिम. ही वुड नॉट हैव मैटर्ड दैट ही वांटेड टू बी क्लोज टू हिज बर्थ मदर, अदरवाइज ही हैड सो मेनी इयर्स. वो अगर वो क्लोज होना चाहता वो हो सकता था. उनके अपने भी जो पता ही नहीं होता. हाँ उसको पता ही नहीं होता कि मेरी नहीं, मदर. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर उनको पता होता या इफ ही वाज क्लोज यू वांटेड टू बी क्लोज टू हिज बर्थ मदर देन कहीं ना कहीं वो उनका जिक्र होता. अनारकली का उनकी हिस्ट्री में वहां पे भी कुछ नहीं है. सो यू नो सो आई अज्यूम दैट व्हेन द चिल्ड्रन वर टेकन अवे फ्रॉम द कॉन्क्यूबाइंस The concubines were told कि don't come near them, otherwise you will spoil their future. क्योंकि वो इतने सारे बच्चे होते थे उस टाइम पे you know, कनीजों के और concubines के, तो हर एक को तो वो रॉयल प्रिंस नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ये तीन ही क्यों बने. सो दैट मीन्स दैट बिकॉज द क्वींस वर ब्रिंगिंग देम अप, इसलिए उनको वो दर्जा दिया गया कि दैट दे वर दे कुड से कि ये थ्रोन हमें भी मिल सकता है. Otherwise, so there was the actual son was Salim only, Salim. Who was born out of in हाँ, through Jodhabai. हाँ. Another conspiracy theory जो generally आती है इसमें कि Salim Man Singh के जो बेटे थे जी दुर्जन दुर्जन की help से ही entered into harem और एक बार नहीं कई बार ही entered into harem to meet Anarkali और इसलिए दुर्जन सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया था अकबर ने और सलीम को जस्ट टू सेव हिज सन उनको देश निकाला दे दिया एंड अनारकली को दीवार में चढ़वा दिया. सो इज दिस अ कॉन्स्पिरेसी या आपने रिसर्च किया है कि सर नो नो एज आई सेड रिसर्च में सिर्फ ये पता चलता है कि ये हुआ. दिस इज द फैक्ट कि दुर्जन वाज बिहेडेड सलीम वाज टोल्ड टू वाज एक्साइल्ड जिसको कहा जाता है एंड देन ही वाज कॉल्ड बैक एंड ही वाज आल्सो हैंडेड ओवर द किंगडम. पहले उनको बोला गया था कि आई एम डिसओनिंग यू यू नो एक्साइलिंग यू एटसेट्रा बट देन इन टाइम व्हेन ही फेल सिक व्हेन अकबर फेल सिक ही वाज कॉल्ड बैक. सो दिस इज हिस्ट्री, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट. सिमिलरली वी अज्यूम एंड वी आर वेरी श्योर दैट अनारकली को दीवार में चुनवाया गया. नाउ इफ नो डाउट ब्लड इज थिकर देन वाटर, दैट इज वन पार्ट. सेकेंड इज दुर्जन का कोई रोल ही नहीं था. अगर I mean, so that is why the angle of Durjan and Anarkali came to me, ki if two people out of the three are being killed and one is not, no doubt he was the prince, etc. But also, his punishment could have been harsher, which it was not. Yeah. But for a person jo uska dost hai, jisne most likely uska har jagah saath diya hoga, aap usko behead kar rahe ho, saying that because he did not do the right thing or whatever, he should have been the subject of the king and he should have told the king everything. आप उसको behead कर रहे हो. So I thought कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि अनारकली और दुर्जन में एक दोस्ती है या एक अपनापन है जो ना तो सलीम को रास आया होगा और ना ही अकबर को. And that is how that angle came out. Conspiracy. You're adding to the conspiracy theory. इसी से रिलेटेड और कॉन्स्पिरेसीज भी है. ये कॉन्स्पिरेसी है कि जो हम कहते हैं अनारकली को दीवार में चुनवाया, उसलिए चुनवाया नहीं था, लोगों को दिखाने के लिए चुनवाया था और बैक गेट से उसको निकाल के सलीम के पास भेज दिया गया. सलीम के पास, I mean in my book I don't assume that because सलीम was already exiled, but conspiracy theory है. नहीं वो तो है कि जैसे दर फतेहपुर सीकरी में एक अनारकली दरवाज़ा है जहाँ से वो भाग के गई थी एंड ऑल दैट. सो देर आर सेवरल, बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू लव समवन आप गुस्से में तो बहुत कुछ कर जाते हो, बहुत कुछ बोल जाते हो, बट शायद व्हेन देर इज़ टाइम इन योर हैंड्स यू माइट थिंक कि एंड देन आई थिंक बिकॉज जो मैंने आई नो वी आर गिविंग आउट द प्लॉट ऑफ द बुक बट प्लॉट नहीं जा रहा है, पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा. सो अकबर वाज वेरी फैसिनेटेड विद द ब्लड लाइन, ही वांटेड द प्योर ब्लड लाइन. सो व्हेन अनारकली'स मदर टेल्स हिम दैट शी हैज डिसेंडेड फ्रॉम जेंगिस खान एंड दिस इज अगेन आई हैव जस्ट इमेजिनड इट और आई हैव फिक्शनलाइज्ड इट,
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लव अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट ही वांटेड टू कीप द प्योर ब्लड लाइन वुड हैव मेड यू नो वुड हैव पुश्ड हिम टू मेक दिस डिसीजन कि ओके लेट मी शो, क्योंकि अब तो मैंने करार कर दिया, मैंने एक यू नो आई हैव डिसाइडेड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल दैट नो यू आर गोइंग टू बी बरीड एंड ही इज गोइंग टू बी बीहेडेड, सो नाउ आई कांट गो बैक ऑन दैट. And then obviously there was some bit of love or if affection for this girl or this lady who had borne him a son. So that is why I feel ki he would have allowed her to be taken away. And Man Singh would have been... ये भी है ना कि this conspiracy theory जो चलती है कि this was actually इसके पीछे दिमाग बीरबल का था. जैसे हमारे अब हम देखते हैं कि जो भी पॉलिटिक्स में है या जो भी हमारे आसपास हो रहा है, हर एक का अपना अपना एजेंडा है. एवरीबडी इज वर्किंग टू सिक्योर देयर प्लेस इन लाइफ. तो ऐसे ही वहां पे भी हो रहा होगा. तो वेदर इट इज बीरबल, वेदर इट इज अबुल फजल, वेदर इट इज मान सिंह, वेदर इट इज एनीबडी, दे ऑल मस्ट हैव बीन प्लेइंग टू द एडवांटेज ऑफ देयर ओन पोजिशन. सो वॉट एवर दे फेल्ट वॉज रिक्वायर्ड दे डिड. वेदर इट वॉज अनारकलीज मदर, उन्होंने भी तो अपनी बेटी को आगे कराना कि आप एक और क्वेश्चन है मोबाइल पे निकाल के रखा हुआ है. हाँ. अनारकली का एक ही बेटा था सो फार एज इट इज नोन दैट एक ही बेटा था. I was just googling it for this podcast. So I came to that there are two more, Gas Beg and Jilobai. Jilobai is the mother. Jilobai is the mother. Yes. Okay, then maybe Google is wrong, bhai. Jilobai is the mother of Anarkali. Okay. And one more conspiracy theory, जो मैंने generally पढ़ी है, मैंने एक series में भी देखी है. Anarkali जब उसको सलीम के पास भेजा गया तो it was actually Daniel who revolted against it and Daniel ने actually Anarkali को मार दिया था. हाँ, so as I'm saying that Anarkali के बारे में कुछ नहीं पता, so everybody interprets the story as they seem fit. So if I am writing the story, I will interpret it as जो according to history facts मैं उसको कहाँ मरोड़ सकती हूँ, कहाँ उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ला के दे सकती हूँ. दैट इज़ माई इंटरप्रिटेशन. बट समवन हु रोट फॉर ताज और विच एवर वेर वॉट एवर यू सॉ, उसने अपना इंटरप्रिटेशन दिया कि ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि देर इज़ नथिंग रिटन अबाउट हर. तो इट इज़ ओपन प्ले ग्राउंड फॉर एनी बडी टू टेक एनी. कल को कोई और आके बोले कि नहीं जी ये तो ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो वो भी पॉसिबल है. सो इट इज़ हाउ विद हाउ मच इंटेंट or what you want to show through your story. If you read the book, my story is about Anarkali from her perspective. I am not digressing to Akbar, to Saleem, unke kya beech mein wo the. I'm not going into all that. It's only about the woman. I focused only on Anarkali, ki as a woman uski kya journey rahi hogi and through what things she would have had to go through to reach where she was. And that's how the book opens, that she is standing at the place jahan usko chunwaya ja raha hai and she keeps going back in her life ki maine ye kara and you know what were the consequences, what were the choices that I make. So she, it is constantly going, wo time leap bar bar hota hai. Sir, ek cheez, chahe aapki book padho, chahe main history bahut padhta hu, history padho, one thing jo mujhe realize hoti hai ki Akbar ko humne bahut zyada glamorize kar diya. Haan. अकबर इतना अच्छा इंसान था नहीं. किंग होने के लिए आप बहुत अच्छे हो भी नहीं सकते. है ना, इफ यू लुक एट इट, इफ यू आर अ वेरी गुड पर्सन देन हाउ कैन यू यू नो विन पीपल. और पॉलिटिक्स में तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा होना और एक बुरे होने में फर्क है ना. ही वाज नॉट अ गुड मैन, जो मुझे ऐसा फील होता है रीडिंग अबाउट अकबर. बट देन योर परसेप्शन ऑफ अ गुड मैन मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द परसेप्शन ऑफ अ गुड मैन फॉर समवन एल्सेस. For you, being loyal, being doing your work correctly, making sure that around you women are respected, all those things matter. So you will look at a facet of Akbar and say, okay, he was not a good man. But for somebody having power, having being able to influence so many people, starting a new religion altogether, jahan pe sab equal the, and those kind of things, being spiritual, chahe later in life,
all that may be important. So I think being good or bad is very subjective. For like I spoke to one or two professors in some universities, and to understand what in today's world people think about Anarkali and everything, and I realized that हर इंसान का अपना एक परसेप्शन होता है अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर कि सो दे कुडंट लुक बियॉन्ड लाइक माय क्वेश्चन वाज दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट अनारकली एज अ वुमन सो दे सेड वो तो नर्तकी थी जैसे आपने कहा यू नो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कि उसका तो काम ही ये था वो तो फॉर द सेक्सुअल प्लेजर ऑफ द किंग थी शी वॉज यू नो शी गेव बर्थ टू डानियल और उनका बस यही काम था कि वो डांस करती थी और वो रिझाने का काम था So that is the mental perception ki we can't even look beyond the profession. Ki hum ek, if a woman is working or selling something, she's a trader, to hum uske aage nahi dekh paate ki uski kya life story rahi hogi ya wo kin struggles se nikal ke wo is situation pe aayi hai ki aaj usko ye karna pad raha hai. So there are several layers to the story that I wanted to create ki it is not only about her love story with Saleem, it is also about why she came to that point wherein she felt the need to be close to the son of the king and she was not unaware ki what she's doing may not be the right thing to do. Well, from the story of Anarkali, what's the personal take aur hum kya seekh sakte hain Anarkali ki legacy se? This is आपने बहुत रिसर्च किया उसके बारे में। आई थिंक वॉट यू कैन टेक अवे फ्रॉम हर इज दैट वीमेन देर आर टू और थ्री लेसन्स दैट आई टुक अवे पर्सनली वॉज दैट जो इशूज वीमेन वर फेसिंग सो मेनी ईयर्स बैक अभी भी हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं वीमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन लव एंड एम्बिशन their choices are still limited. They still have to look for the power center. They themselves sometimes are not. So we are still struggling with the same set of problems. Thodi better hua hai, no doubt, with women coming into the workforce, women sitting in places of power, women able to make policy. Certainly there are differences. By this book, I want people to realize that you are not alone. People were struggling even then. Women were trying to survive even then. Abhi bhi yahi hai. But maybe even if one man can read the book and look at their family in a different way and look at their partners, their daughters, their girlfriends in a different way and maybe make a small shift in their way of thinking, then I think the reason to write the book would be successful. So that is one of the things, and I didn't want any woman to be only remembered as someone, you know, who's just lovelorn. I want people to look at women who are one-dimensional and realize that a woman can have many, many facets to herself, and it doesn't necessarily have to be good or bad. As I said, that a grey bhi color hota hai, जो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है एंड इट्स ओके टू हैव इट देयर इज नो हार्म यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ ऑल द टाइम बिकॉज नोबडी इज श्योर सो दैट वाज द रीजन टू राइट द बुक परफेक्ट आपकी बुक ऐसी है ना कि इस बुक को मैं मतलब इसके बारे में जितनी देर तक बात कर सकूँ ना उतना कम है जी क्योंकि एक तो मैं खुद बहुत ज़्यादा हिस्ट्री फैन हूँ जी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री फैन हूँ मुझे अभी याद है सेवेंथ और एट्थ क्लास में व्हेन आई वाज तो मेरे एक सर थे सर थॉमस वो हिस्ट्री पढ़ाते थे कैसे ही डिक्टेट्स मतलब से कहानी सुना रहा इन आई एम अ कॉन्वेंट का है तो मैं कोई हिस्ट्री सुनाते थे सो आई वाज अ पर्सन हु कीप ऑन राइटिंग व्हाट ही यूज्ड टू से मैं बुक नहीं पढ़ता था पर वो जो सुनाते थे मैं लिखता रहता था क्योंकि उनकी हैबिट थी वो नेक्स्ट डे आके खड़ा करते थे अच्छा ये सुनाओ टेल अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर टेल अबाउट कोल्ड वॉर तो मैं हाथ उठाता रहता था क्योंकि मुझे इतना ज्यादा शौक था मैं हाथ ऊपर करता था मुझे 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 तो मुझे मुझे खड़ा ही नहीं करते थे वो सबसे पूछते थे
जब सबसे पूछ लेते थे फिर वो लास्ट में मुझे खड़ा करते नाउ यू स्टैंड अप, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम रखा था टेप रिकॉर्डर. अच्छा. क्योंकि वो जितना उन्होंने बोला था ना मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड में वो बोल देता. बट हिस्ट्री एक्चुअली ऐसे ही पढ़ानी चाहिए बिकॉज इट्स मोर फन एंड इट्स मोर एंगेजिंग एंड चिल्ड्रन लर्न इट फास्टर. बिल्कुल. अगर आप सिर्फ डेट्स के पीछे भागोगे तो वो वैसे ही नहीं याद रहते. वो 1590 की जगह अगर 1580 हो गया तो पूरा रेड क्रॉस हो जाता था. सीरियसली बहुत मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने. मतलब मैं तो बहुत फैसिनेटेड हूँ हिस्ट्री पढ़ने के लिए. मेरी एक बुक है चैरियट्स ऑफ महाभारत. जी जी. जल्दी वो बुक मैं ज़्यादा मार्केट नहीं करी. मेरी सेकंड बुक थी जब मैंने और मैंने लिखी भी 10th क्लास में थी. अच्छा. तो अब आप सुनोगे महाभारत मीन्स पांडवों की कहानी होगी. बट इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ पांडवा. जैसे आपने अनारकली के बारे में रिसर्च किया. मैंने क्या किया था कि मैंने कहा पांडव है कौरव है पर उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी तो थे. तो मैंने एक फिक्शनल फैमिली बनाई हु एक्चुअली जो मेन उनका हेड था ही वॉज एक्चुअली सिपे सलार ऑफ शांतनु. अच्छा. और फिर कैसे उसकी फैमिली moved along with Shantanu and his family. और कैसे कैसे उसकी family भी जाके जाके gets divided into Pandavas and Kauravas. जैसे कि मैंने उसमें ये दिखाया कि जो लाक्षाग्रह से वो भागते हैं तो जो सुरंग खोदी गई थी वो उसकी family के लोगों ने खोदी थी. Very interesting. तो सारी चीजें ना वो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं. तो इट्स अ कंप्लीट स्टोरी अबाउट. मैंने कहीं मार्केट नहीं किया बाजार लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि मैं कभी सोचता हूँ बुक को ना दोबारा लिखूंगा क्योंकि वो 10th क्लास में लिखी थी. तो एक परसेप्शन और नॉलेज उस टाइप का था. नो यू शुड. आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले ऑन द होल बिकॉज महाभारत सबको पता है. हाँ उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें नहीं पता. नहीं पता. बट फ्रॉम दिस एंगल जैसे होता है ना चेंजिंग द परसेप्शन और चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द रीडर. I think that really intrigues everybody. जैसे कि अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो धृतराष्ट्र कुंती और गांधारी ये जंगल चले जाते हैं और लास्ट में धृतराष्ट्र जो है वो कुटिया में जल जाते हैं. जल के खत्म हो जाते हैं. तो मेरी कहानी में देखा गया है कि क्योंकि उसकी फैमिली वॉज कर्स टू बी विद देम उसकी फैमिली का जो हेड होता है ही नाउ दे विल ऑल्सो डाई एंड आई विल ऑल्सो डाई. तो वो एक्चुअली आग खुद ही लगाता है एंड ही कैचेस धृतराष्ट्र. ओके. मैं उसको बाहर नहीं जाने दूंगा. So that is what is being told in that story. Okay. तो मैंने तो पूरा fiction को add करके ना I changed the perspective of that. तो very beautiful book ma'am. Thank you. मेरी एक show का ritual है कि I ask readers क्योंकि जनजाति लोग आजकल लोग कहते हैं कि लोग reading नहीं करते हैं screen reels और shorts ज़्यादा देखते हैं. तो I urge everyone to read books क्योंकि books में बहुत कुछ है. तो बुक्स तो हम लिखते ही हैं बहुत कुछ करते हैं. मैं कहता हूँ छोटा सा बुक डांस भी करते हैं हम सबके लिए कि हम बुक डांस भी कर रहे हैं. देखो अब तो जाके बुक पढ़ो. तो आई वुड लाइक यू टू जॉइन मी फॉर 10 सेकंड्स. आई विल ट्राई बट आई एम द काइंड हु हैज टू लेफ्ट फीट और थोड़ा सा विल डांस. आई विल डांस फॉर यू. यू कैन आई प्ले ताली बजाती हूं. आई एम द ताली बजाने वाला. श्योर. सो रीडर्स ये है बुक अनारकली. हिस्ट्री में अनारकली के बारे में बहुत कुछ है और ये हिस्ट्री की बुक नहीं है. इट्स अ प्रॉपर बुक जो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है. आपको लगेगा कि अनारकली खुद अपनी कहानी लिख रही है. माइन्यूट डिटेल्स. बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ी है ना अभी तक अनारकली के बारे में. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक. सो आई अर्ज एवरीवन टू प्लीज़ रीड दिस बुक और छोड़ना मत यार. बहुत ही सॉलिड बुक है मैम. आई वुड रिक्वेस्ट आप इस बुक को होल्ड करिए और बस छोटा सा स्टेप करूँगा. यू कैन डू इट लाइक दिस. And you can request readers to go and buy this book. It's available over Amazon, Flipkart. Absolutely. Please do read my book. Please पढ़िए. अपना comment कीजिए. आपको अच्छी लगे तो और that will help me also कि जो मैं next book लिखूँगी उसमें आपके comments को incorporate करने की कोशिश करूँगी. और ये बहुत ही ये किताब actually एक strong women के बारे में है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो शायद हम अपने आसपास देख पाते हैं पर कहते नहीं हैं. तो आज सबसे पहले तो आप किताब खरीदिए और उसके बाद जाके अपनी मदर सिस्टर को बोलिए कि यू अप्रिशिएट देम यू लव देम बिकॉज़ दिस बुक. यस प्लीज डू गिव देम. बहुत ही ब्यूटीफुल बुक कवर है. बहुत योर मदर एंड योर सिस्टर एंड योर वाइफ एंड योर पार्टनर विल रियली लाइक इट. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच.